टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फेस से डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। हमारे फेस पर बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं, वो चले तो जाते हैं लेकिन वो अपने निशान हमारे फेस पर ही छोड़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने फेस से डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन से सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की मदद से छुटकारा पा सकते हैं। ये होम रेमेडी मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो कि इसकी कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, आपको इसके अंदर बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और बिना पैसे खर्च करे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप लोगों को महंगी महंगी क्रीम्स और आई क्रीम्स और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सस्ते में इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, इजी टू यूज है, बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इजीली अवेलेबल है, आपको ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। इवन हमारे घरों में भी ये इंग्रेडिएंट हमेशा प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है आलू। तो आपको सबसे पहले आलू को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद ही आलू को आपको पील करना है, छीलना है, क्योंकि अगर आप पील करने के बाद आलू को वॉश करेंगे तो उसकी डर्ट के साथ साथ अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें से रिमूव हो जाएंगे। अब आपको इसके मिडल वाले एरिया से एक स्लाइस को कट करना है क्योंकि मिडल पोर्शन में जूस काफी ज्यादा होता है। आपको ये इस तरीके से ये वाली स्लाइस लेनी है और फिर आपको जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या एक्ने स्कार्स हैं, आपको ऐसे एक जगह पर 3 से 4 मिनट तक रब करना है। आपको सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से इसको रब करना है, टाइट प्रेशर में इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना है। आलू स्किन को ब्राइटन करता है और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। आलू में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और सन टैन को कम करता है। मुझे पूरे फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं और इसको यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा कम हो गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे तो उनके निशान मेरे फेस पे रह गए थे, पर आप देख सकते हैं कि मुझे डार्क सर्कल्स भी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं इनको डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि डार्क सर्कल्स भी इसको अप्लाई करने से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जब इसमें से जूस आना थोड़ा बंद हो जाएगा तो आप अपने नेल से इसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर लेना ताकि इसके अंदर का जो जूस है वो बाहर आ जाए और आप इजीली अपने फेस पे इसको लगा सको। आप देख सकते हैं कि इसमें से जूस काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया है, तो अब मैं इसको फिर से रब करना स्टार्ट कर दूँगी। काफ़ी लोगों को अपर लिप्स पे और साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है लिप्स के आसपास, तो वो लोग भी यहाँ पे लगा लें क्योंकि ये जो डार्क पैचेज होते हैं, ब्लैक पैचेज होते हैं, ये भी इससे ठीक हो जाते हैं। वैसे तो आपको 1 वीक में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट फिर भी डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा गहरे वाले डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक होने में, बट अगर आपको बहुत लाइट डार्क स्पॉट्स है तो वो आपके डेफिनेटली 1 वीक में ही ठीक हो जाएंगे। आप इसको रोज़ रात को सोने से पहले अपने फेस पर अप्लाई करें और सुबह उठकर प्लेन वाटर से फेस को वॉश कर लें। ध्यान रहे कि क्लीन करने के बाद ही आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। तो ये वाली होम रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास दिन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है लेकिन रात को थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो रात को आप इसको सोने से पहले अप्लाई करके सो सकते हैं और सुबह उठ के पानी से फेस को वॉश कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास दिन में टाइम होता है या फिर जिन लोगों को फेस पे ज़्यादा पसंद है, उन लोगों के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है हाउ टू रिमूव डार्क स्पॉट्स पे, वो वीडियो मेरी स्क्रीन पर आ रही है तो आप उसे स्क्रीन से क्लिक करके चेक कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी ये होम रेमेडी कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक होम रेमेडी के लिए आप अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।